अब तो भाग दिखेगा दिल्ली वालों का जोश। इसके साथ ही दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैराथन की शुरुआत हुई, जिसमें दिल्ली के 37,000 लोगों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान दिल्ली के लोगों में खासा जोश भी देखने को मिला। आपको बता दें कि वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का मुख्य उद्देश्य अपनी भागीदारी के माध्यम से फिटनेस और एकता को बढ़ावा देना है। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा भी मैराथन के लिए कई सड़कों का रूट डायवर्जन किया गया, जिससे मैराथन में शामिल लोगों को किसी तरह की मुसीबत का सामना न करना पड़े। दूसरी ओर 35,000 लोगों की भीड़ में हर इंसान के चेहरे पर साफ तौर से खुशी देखने को मिली। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने भी फिटनेस की दौड़ में अपना प्रतिभाग किया है। सर, कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं बिल्कुल थक गए हम छोड़ने वाले। नहीं, एक्चुअली लोग साथ लेके चलना पड़ता सबको, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा। कुछ बोलेंगी, लड़कियों में सबसे ज्यादा जोश नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, वुमन पावर दिख रही है, कैसा लग रहा है? एक्साइटेड बट लिटिल पेनफुल। पैरों में, क्योंकि हम भी फॉलो कर रहे हैं, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो गया है, सुबह से ही फॉलो कर रहे हैं। यस, नहीं नहीं, थैंक यू। पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, जैसे मत करना प्लीज, मेरे से आगे रहना। सर कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। मैं कहूँगा सभी इस ऐसी दौड़ में भाग लें और डेली सुबह उठ के डेली एक्सरसाइज करें, फिट रहें, अच्छे रहें, बहुत बढ़िया। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ना अब आलसी होते जा रहे हैं, बोलते दिल्ली के लोग तो बस खाने पीने में ध्यान रखते हैं। हम लोग आलसी हैं, दिल्ली वाले तो अलग ही जोश दिख रहा है उनमें आज मुझे। कोई दिल्ली से बाहर से भी है, एक अभी 87 ईयर का भी आने लग रहा है, आने लग रहा है। बैंगलोर से आए, बैंगलोर से आए आप दौड़ने यहाँ पे? थैंक यू। तो बिल्कुल जोश दिख रहा है आपके। कितने देर हो गया आपको दौड़ते? अभी 2 घंटे तो। कौन से मैराथन में आप? 21 हाफ मैराथन। हाँ, तो अभी लक्ष्य करीब है, तो जाइए दिल्ली दौड़िए, आप पहुँचिए अपनी मंजिल से। जिस तरह से आपको लोगों के अंदर जोश नज़र आ रहा है, पुलिस से लेकर ट्रैफिक पुलिस वॉलंटियर भी पूरे सुबह से ही यहाँ सिक्योरिटी में लगे हैं और काफ़ी रोड डाइवर्जन किया गया है ताकि लोगों किसी तरह की परेशानी ना हो। ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, पुलिस जगह जगह तैनात है क्योंकि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं पुलिस वाले भी खड़े हैं, बैरिगेटिंग लगाए गए हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, बहुत चीज़ें यहाँ दिख रही हैं आपको। लोगों के अंदर जोश नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां मुझे इस मैराथन में दिखी। और दिल्ली वालों ने कहा कि हम खाने पीने ही नहीं बल्कि हम खुद को फिट रखने में भी नंबर वन पर। कैसा लग रहा है? एंजॉयिंग इट, फर्स्ट टाइम डूइंग बट एंजॉयिंग अ लॉट। एंजॉय कर रही हैं, अभी औरों से जाएंगे। हाय, कैसा लग रहा है आपको? इधर चलिए, आप थोड़ा पीछे देखिए, बढ़िया लग रहा है। लड़कियों में इस बार ज़्यादा जोश, मुझे भी लग रहा है, बट मैं लेट चली हूँ थोड़ा, तो बहुत लेट पहुँच रही हूँ। कोई बात नहीं, आपकी मंजिल बहुत करीब है, पहुँचेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगी? बस बहुत अच्छा लग रहा है, 10 पावर दिखानी है इस बार, जीतना है। कुछ कहना चाहेंगे सर? इस उम्र में जिस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, लगातार चल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, थोड़ी तबीयत खराब चल रही है अब के, थोड़ा इसलिए दौड़ कम पा रहे, ज्यादा पैदल चल रहे हैं। के लोगों के लिए बहुत बड़ा ये इंस्पिरेशन रहेगा कि कोई लोग फिट रहने के लिए इस तरह से मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं। जी हाँ। कुछ कहना चाहेंगे मोटिवेशन के लिए? बस एक्सरसाइज करते हैं, और ये मेरी 87 एज है। 87 एज है आपकी? 86.7, 86 साल 7 महीने। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा है। काफी देर से दौड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? काफी हर एज के बंदे इस बार मुझे नजर आ रहे हैं, लड़कियां भी काफी नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये हर साल है मेरा, ये 5th टाइम है। 5th टाइम है आपका, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा चलने का। तो नहीं, अच्छा इवेंट है एक्चुअली, मोटिवेशन मिलता है, मतलब इवेंट 90 को मोटिवेट करने के लिए क्या? हाँ, नहीं आप भागिए, मतलब आपके अंदर है, जब तक आप पहली बार करोगे नहीं तब तक आप पता नहीं चलेगा। तो जो लोग आलस करते रहते हैं उनको क्या कहेंगे? नहीं नहीं, एक बार उठिए, बस 5 बजे उठिए, आइए यहाँ ग्राउंड पे, अपने आप कर लोगे। बिलीव वालों को बदनाम करके रखा है कि खाने पीने में ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज द फंडा। तो यहाँ पे वॉलंटियर टीम मेरे साथ मौजूद है, कैसा लग रहा है आपको? किस तरह से लोग इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है, हम रात के 2 बजे से यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की तरफ से, वी आर फ्रॉम द मेट्रो फरीदाबाद हॉस्पिटल, और काफ़ी अच्छा लगा, लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे, रनिंग भी काफ़ी अच्छा किया है, 21 किलोमीटर की रनिंग काफ़ी अच्छी लगी है यहाँ पर। अभी भी लोग आ रहे हैं, आपको कितना टाइमिंग दी गई थी? हमें 4 घंटे के लिए कहा गया था, लेकिन टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया जहाँ तक लग रहा है। अभी भी बहुत एज के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, 87 तक के एज के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली राइट। और कुछ कहेंगे? दोबारा से मेहनत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? कल रात के 2 बजे से हम लोग मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद से निकले हुए हैं,
और तब से हम लोग सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। इस कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर मोबाइल मेडिक्स में थे, कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे एड में थे, सेंटर्स में थे, अलग अलग सेंटर में हैं। कितने लोगों को अभी तक परेशानी हुई है यहाँ पे? काफ़ी लोगों को हुई है। हम लोगों ने यहाँ पे उनका पूरा बायोडाटा बनाया है, 30-35 के आसपास ये है। हमने सब कुछ स्प्रे लगाया है। ये हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट है, हमारे सारे डिपार्टमेंट, हम लोग सारे मिलकर सबने काम किया है। तो कितनी टीमें आपकी आई हैं जब से यहाँ पे? कितनी टीम, लगभग हमारे 7-8 स्टेशन हैं यहाँ पे, हमारे और भी सारे। क्योंकि ये रूट तो बहुत लंबा है, अभी भी लोग आ रहे हैं और काफ़ी हमने देखा जगह जगह रुक के आप लोग सेवा कर रहे हैं। हमारे 7-8 स्टेशन हैं जो अलग अलग सारे और भी लगे हुए हैं, अराउंड 10 स्टेशन हैं हमारे। हमारे डॉक्टर्स उधर भी लगे हुए हैं, पीछे भी हैं, इंडिया गेट के पास भी हमारा स्टेशन है, हर जगह हमारे स्टेशन लगे हुए हैं। तो इसे मतलब जो मैराथन कर रहे हैं वो तो खुद और आप भी उनके साथ बिल्कुल बराबर मेहनत कर रहे हैं भले ही। हाँ, जिस तरह से मैराथन में काफ़ी लोग हमें दौड़ते हुए दिख रहे हैं, कब से दौड़ रहे हैं आप? मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। और आज मैराथन कितने बजे स्टार्ट हुई थी? 5:20 से दौड़ रहे हैं आप जी। कौन सी वाली है आपकी? 97.97 आपकी? 21 सेकंड है। सेकंड है आपकी? यस। तो बहुत तैयारी चल रही होंगी काफ़ी दिनों से? बिल्कुल, यही कोशिश थी कि हम इसको अपने लक्ष्य को पूरा तय करें, टारगेट लिया उसे पूरा करना है। टारगेट अभी कितना रह गया है? हमारा 4 रह गया है। 4 रह गया है। 70 हम कर चुके हैं। 70 कर चुके हैं। आप कितने महीने से तैयारियाँ कर रही हैं? महीना तो नहीं, 1 वीक से ही की है। 1 वीक से ही प्रैक्टिस की है। 1 वीक से प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग यहाँ, लोग 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको पता है 1 साल भी? बिल्कुल बिल्कुल, बट टाइम ही नहीं मिलता, तो 1 वीक से ही प्रैक्टिस चल रहा है, अब चल रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप क्या कहेंगे, कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप मैराथन? मैं तो जी 2 महीने से दौड़ रहा हूँ। 2 महीने से दौड़ रहे हैं? तो आज पहली बार, काफ़ी हद तक दौड़ा मैंने। आप पहली बार आए हैं दौड़ने के लिए? अब नहीं हो पा रहा मुझसे, अब लग रहा है कि वापस चले जाएँ। बट आपका लक्ष्य पास में ही आने वाला है? पहला दिन आज कंप्लीट करेंगे पहला दिन। संडे को आज वाकई बहुत अच्छा संडे बनाने में आप लोगों ने ठानी है। काफ़ी दूर से आप लोग दौड़ रहे हैं, मैंने सुना है कि 35,000 लोगों में से एक हैं आप लोग, बहुत बड़ी बात है ये। रेस्ट करेंगे आराम से, कल ऑफिस नहीं जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ मैं, पहले दौड़ा उसके बाद फिर चलना शुरू कर दिया मैंने रेस्ट करके। फुल आराम आराम से आप पहुँचेंगे अपने लक्ष्य तक, फुल मज़े लेके इंजॉय करके, खाते पीते, पूरा अपना टाइम व्यतीत किया आज, बहुत अच्छा लगा। तो जिस तरह से अभी यहाँ पे लोग लगातार आ रहे हैं और इंडिया गेट से भी हमने आपको दिखाया लगातार, कब से दौड़ रही हैं आप? हेलो, 5:30 से। 5:30 से दौड़ रही हैं, और कितना रह गया है अभी? जस्ट 5 किलोमीटर्स। तो अभी हिम्मत बची है कि नहीं? ऑफ कोर्स आई हैव टू कंप्लीट इट। चलिए, लड़कियों को और ज़्यादा हस्ट पुष्ट होना चाहिए, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने वाली हैं। तो दौड़ रहे हैं 5 किलोमीटर रह गया है, तो हिम्मत बची है कि नहीं? लोग तो बोल रहे हैं कि हम थक गए, अब तो छोड़ने का मन कर रहा है पूरा, अभी देखते हैं कर पाएंगे। पर कितने सालों से दौड़ रहे हैं आप? नहीं देखिए, मेरा पार्टिसिपेशन तो फर्स्ट टाइम ही रहा है इसका, हाफ मैराथन के अंदर। कितने महीने से तैयारी चल रही थी? मॉर्निंग 3:30 वेकअप था, उसके बाद देन। चलिए, आपकी तैयारी जो भी है कम है, लेकिन मजबूत होनी चाहिए तभी मैराथन जीत पाएंगे। कितने देर से दौड़ रहे हैं आप लोग? हो गए 2 घंटे। 5 बजे से। आप दोनों पार्टनर्स हैं? Yes. तो बहुत अच्छा लग रहा होगा दोनों के दोनों। नहीं, yes, yes, it's कुछ नया एक्सपीरियंस है ये मैराथन का, कोई मैंने आज तक नहीं देखा पार्टनर्स ऐसे दौड़ते हैं। साथ में नया, साथ में नया, अलग अलग करा हुआ है पहले, अलग अलग किया है। कितने सालों से दौड़ रहे हैं? नहीं ज्यादा नहीं, फर्स्ट सेकंड टाइम है, दिस इज सेकंड टाइम। और आपका? सेकंड टाइम है। आपका भी सेकंड टाइम है? तो मतलब पहले भी हस्बैंड वाइफ बन के दौड़े या फिर ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम रहा लेकिन बहुत अच्छा रहा। बहुत से लोग इस बार फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत सालों से मेहनत भी कर रहे हैं। आप कब से मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल मेहनत नहीं की है, ना वॉक, बस बस। तो देखा आपने कि किस तरह से मैराथन में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके साथ ही जो वॉलंटियर हैं वो भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और जो आपको चारों टीमें दिख रही हैं वो काफ़ी समय से यहाँ चल रही हैं। 87 एज के लोग भी यहाँ पे हैं, यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वो भी इस मैराथन का हिस्सा बने हैं। और मैं आपको बता दूँ कि 1-2 नहीं बल्कि 6 महीने बल्कि 1 साल से यहाँ लोग मेहनत कर रहे हैं।
अभी भी हम जानेंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय कम रहा है और जो उनका लक्ष्य है वो करीब है, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वो करीब आ चुका है। इंडिया गेट्स के मोड़ से लोग मुड़ रहे हैं और वहीं स्टेडियम से, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इसकी मैराथन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:20 पे और ये ख़त्म होने वाली है। लगातार लोग अभी भी जो धीमी गति से चल रहे हैं, हाफ रेस के हैं, वो अभी भी लगातार चल रहे हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ पे जा चुकी है, कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश भी की और लोगों का यही कहना है कि ये मैराथन हर साल होती है और हर साल बेस्ट होती है और कुछ लोग तो 5 साल से लगातार इस रेस का हिस्सा बन रहे हैं। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ रिया तोमर, द न्यूज़ 15 दिल्ली।